नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है काके दी रसोई। और आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर मसाला, जिसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम करने रख दी है और उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तेल गरम होने के बाद उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने बारीक काटा है, और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे। 2 मिनट प्याज को भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक जिसे हमने बारीक काट लिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक के बाद 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और उसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मटर जिसे हमने उबाल के रखा हुआ है, और उबालने के बाद इसका पानी अभी हमने रखा हुआ है उसे हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। और बाकी चीज़ें भी हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मटरों को भी हमें भून लेना है। मटर के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर जिसे हमने बारीक काट लिया है, और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमें यहीं पे डाल देना है टमाटर के बाद ही, ताकि जो टमाटर है वो भी हमारा जल्दी से गल जाए, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, इससे टमाटर जल्दी गलेगा। तो अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो देखिए 3 मिनट के बाद हमने इसे खोल लिया है, और हमारा टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे फिर से एक बार चलाएंगे, तो ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो ये वही पानी है जिसमें हमने मटर को उबाला है। तो फिर से इसको एक बार मिक्स करेंगे, और फिर से ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो एक बार फिर से इसे ढक देते हैं लगभग 3 मिनट के लिए दोबारा से, और इसे हम बार बार इसलिए ढक रहे हैं ताकि ये जले ना, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है। फिर से इसे चलाएंगे। अब हमने इसमें डालने हैं सूखे मसाले। तो यहाँ हमने लिया 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद हमने लिया है 1/4 चम्मच गरम मसाला, ये रेगुलर यूज़ होने वाला गरम मसाला है जो घर में हम यूज़ करते हैं। साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च से इसे बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा और कलर भी अच्छा आएगा, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें एक बार फिर से पानी डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया है हमने, और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हमने इसको आखिरी बारी 3 मिनट के लिए और ढकना है। तो इस तरीके से टोटल हमने इसे 3 मिनट ढका है, थोड़े थोड़े पोर्शन में 3-3 मिनट के लिए। और ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा रेडी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना आखिरी पोर्शन पानी का। तो पानी भी हमने 3 बारी में डालना है, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 1 गिलास पानी हमने 3 बारी में डाला है, और ये वही पानी है जिसमें हमने मटरों को उबाला था। तो इस तरीके से अब पानी का आखिरी पोर्शन हम डाल देंगे इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5 मिनट इसे इसी तरीके से खोल के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और 5 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पनीर की लटपटी ग्रेवी एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर, ये देखने में जितनी सुंदर है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। तो आप भी इसे बनाइएगा ज़रूर, और हमारे साथ अपने सुझाव एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो यहाँ हमने पनीर के मीडियम साइज़ के टुकड़े करे हैं, 50 ग्राम हमने यहाँ पे पनीर लिया है, और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं इसके अंदर रम जाएं। तो दोस्तों ये हमारा मटर पनीर मसाला रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक बाउल लिया है, अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी डालेंगे और उसकी गार्निशिंग करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ। तो दोस्तों मटर पनीर मसाला रेडी है, आप भी इसे बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और हमारी वीडियोस को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।